दिल्ली फसादात क्यों शुरू हुए, वो किस शख्स की तकरीर थी जिसने दिल्ली फसादात को शुरू करने का बायस बनी, उसके अलावा इसने हिंदुस्तान पर क्या असर डाला है और इसको लेकर पूरी दुनिया से क्या रिएक्शन सामने आया है, आइए देखते हैं। दिल्ली फसादात के सिर्फ दो ही वजूहात हैं, एक बीजेपी और दूसरा CAA या कैब, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है इस सारे सीन में कि इनका तमाम एजेंडा हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है, जो कि मुस्लिम्स को और दूसरी तमाम माइनॉरिटीज़ को बहुत बुरे तरीके से टारगेट करता है। अभी अगर आप बीजेपी को देख लें तो इनके कई लीडर्स के मतलब बयानात बड़े अहमकाना हद तक बहुत ही खौफनाक किस्म के बयानात हैं। जैसे एक साहब कहते हैं कि मुसलमानों को तकसीम के वक्त हिंदुस्तान ही भेज दिया जाना चाहिए, वो तमाम मुस्लिम जो भी इंडिया का हिस्सा है उन्हें तभी पार्टीशन के टाइम जो है वहाँ भेज दिया जाना चाहिए था और ये मुल्क के लिए जो है वो नासूर बन चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की एक इलेक्शन रैली में एक साहब फरमाते हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसे उसके नतायज भुगतने पड़ेंगे, और उसमें उनका टारगेट जो है वो मुस्लिम्स ही थे। और अगर किसी को इस बात में शक है तो वो तकरीर का अगला हिस्सा देख ले, जिसमें वो ये कहते हैं कि चाइना ऐसी मशीनें मंगवाएंगे जिससे मुसलमानों को मूंड दिया जाएगा, मतलब उनकी दाढ़ियाँ मूंड दी जाएंगी और उन्हें हिंदू रिलीजन अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये सिर्फ दो एग्जांपल्स, ऐसी कई एग्जांपल्स मुस्लिम्स के हवाले से जो है वो सामने है। इवन कि आप योगी आदित्यनाथ के बयानात सुन लें, उनकी तकरीर सुन लें, वो तो मुसलमानों को और इवन के जो मुस्लिम के मुस्लिम्स के हवाले से जो आप कह सकते हैं कि हमदर्दी का रवैया रखते हैं, उन्हें तो वो ग्रीन वायरस से जो है वो तशबीह देते हैं, और वो तो अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि हिंदुस्तान को इस ग्रीन वायरस से, इस इस्लामिक वायरस से जो है जान छुड़ाना पड़ेगी। और बात सिर्फ यहाँ पे मुसलमानों की नहीं है, ये रवैया उनका जो है दलितों पे और आगे क्रिश्चियंस तक पे, यानी बेसिकली ये माइनॉरिटी के खिलाफ इनका एजेंडा है जो कि मतलब बड़ा ही वाज़े है। और इस पे मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, आपको कोई भी शख्स ये बात करता हुआ नजर आएगा। अभी अब क्रिश्चियंस के हवाले से जो है वो देख लें, एक साहब कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है इस मुल्क के लॉयल सिटीजन ही नहीं है, इस बात पे मतलब बड़ा हंगामा जो है वो मच गया। एक साहब का ये कहना है कि 2020 या 2021 तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस का सफाया जो है वो हिंदुस्तान से कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। मसला इनका सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं है, इनका क्रिश्चियंस और दूसरी तमाम माइनॉरिटीज़ के साथ। और इस हवाले से और रक्षक लश्कर जो है वो तो मतलब आपने देखे हैं, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को भी पीटा है, दलितों को भी पीटा है। तो ये मतलब इनका सिलसिला जो है ये बीजेपी का और ये जो आगे इनके फॉलोअर्स हैं ये मतलब इसके मेन रिस्पॉन्सिबल। खैर ये तो था इनका वो सारा जो अल्ट्रा नेशनलिस्टिक एजेंडा है। इसके अलावा CAA जिसका मैंने पहले तस्करा किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जब इन्होंने पास किया है पिछले साल दिसंबर 2019 से, तो वो मतलब इन दिल्ली रॉट्स की एक बहुत बड़ी वजह, वो मतलब किस तरह वजह बनी है, वो इस तरह के 2019 में इन्होंने बिल पास किया और तब से लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगह इसे लेकर प्रोटेस्ट शुरू, और प्रोटेस्ट का ये सिलसिला आसाम से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ। बीजेपी की इन पॉलिसीज़ के अलावा जिस CAA का मैं पहले आपसे तस्करा कर रहा था, ये अब बहुत ही रेलिवेंट होने जा रहा है, क्योंकि 22 फरवरी 2020 को 500 से 1000 खवातीन दिल्ली का एक इलाका जाफराबाद, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ था। और मतलब ये एक NTCA प्रोटेस्ट चल रहा था, बड़ा पीसफुल सा धरना था और मतलब किसी भी किस्म का कोई इसमें इशू नहीं था। मसला शुरू होता है 23 फरवरी को, जब कपिल मिश्रा और उसके जो हिमायती हैं वो CAA के हक में एक रैली निकालते हैं, और उसमें जो कपिल मिश्रा साहब फरमाते हैं, उनकी तकरीर अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाई जाएगी, वो कहते हैं कि अगर जाफराबाद के प्रोटेस्टर्स को ना निकाला गया तो वो ताकत को अपने हाथ में ले लेंगे और फिर वो खुद ही वो इलाका क्लियर करवाएंगे। और इवन कि आपको पुलिस प्रेजेंस जो है वो वीडियो क्लिप जो भी चलेगा उसमें आपको पुलिस प्रेजेंस नजर आएगी, और वो बाकायदा मतलब ही नहीं अल्फाज में कह रहा है कि हम जो है वो ट्रंप के जाने तक तो पुरामन है, उसके बाद हम पुरामन नहीं रहेंगे। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली। इस तकरीर के फौरन बाद ही दंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रो मोदी मीडिया ने इसका इल्ज़ाम शाहरुख नामी एक नौजवान पर डाल दिया, जो कि एक रैली के दौरान गन लहराता हुआ आ जाता है, और उस पर यह कहा जाता है कि उसके गन लहराने के फौरन बाद ही दंगे शुरू हो गए। लेकिन ज़्यादातर अफराद का यही मानना है कि कपिल मिश्रा की वो स्पीच ही दंगों का बायस बन गई, और वो दंगे जो 23 फरवरी से बाकायदा शुरू हुए वो अब तक इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के टाइम तक तकरीबन 53 अफराद की जान ले चुके हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। अब बात करते हैं इन दंगों में कितना नुकसान हुआ है। अगर आप नुकसान की बात करें तो जब भी कम्युनल रॉयट्स होते हैं या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो उसका असल नुकसान का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही उसको आप मतलब मैयर नहीं कर सकते। लेट्स से आप उस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे जिसके सामने ही उसके अम्मी अब्बा को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उसका मतलब नुकसान आप नहीं भर सकते।
यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें तीन मस्जिद को जो है वो आग लगा दी गई। इसमें एक मस्जिद जिस पर बीजेपी का एक सपोर्टर हनुमान का झंडा लगा रहा है, वो वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल भी है, वो भी आपको स्क्रीनों पर दिखा भी दी जाएगी। मतलब सबसे पहले तो इसमें मतलब मस्जिद को आपने नुकसान पहुंचाया, 53 अफराद वैसे अपनी जानों से जा चुके हैं। इवन कि अगर आप इनकी स्टोरीज देखें, इंडियन मीडिया इंटरनेशनल मीडिया उन स्टोरीज से भरा पड़ा जिसमें जिस तरीके से मारा गया है। और मतलब इसमें मरने वालों में मतलब आप सिर्फ मुस्लिम्स का ही नहीं, हिंदू भी जो मारे गए हैं उन्हें भी बड़ा ब्रूटली मारा गया। बट स्टिल आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि ज़्यादातर मरने वाले लोग मुसलमान थे, नो डाउट बीच में हिंदू भी मारे गए हैं, बट स्टिल द मेजॉरिटी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो मुस्लिम्स की हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक 85 साल औरत उसको उसके घर में जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप किसी भी इंटरनेशनल रिसाले में जाके पढ़ लें और ऐसी ऐसी खौफनाक डिटेल्स आपको मिलेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इसमें तबाही और बर्बादी की दास्तानें जो इन दंगों में लिखी गई हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप देख लें, एक टायर मार्केट को आग लगा दी गई है, तकरीबन सैकड़ों घरों को तबाह बर्बाद हो गया, कारोबार तबाह हो गया, और इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की। नो वाई कि मैं मतलब मुसलमानों की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि दे आर द मेजॉरिटी विक्टम्स। चले अगर दो चार मारे गए होते तो मैं कह देता कि नहीं यार मतलब मारे गए, लेकिन इस 53 में, और आखिर में मैं आपके सामने वो लिस्ट पढ़ूंगा उन तमाम अफराद की जो इन दंगों में मारे जा चुके हैं, आप उसे खुद अंदाजा लगा लीजिए। और ये लिस्ट मैंने किसी पाकिस्तानी मीडिया से हासिल नहीं की, ये इंडियन मीडिया की अपनी लिस्ट है। नुकसानात के अलावा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के रिस्पांस की। सबसे पहले तो उनके प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर उनके नरेंद्र मोदी ने 3 दिन बाद पहला ट्वीट किया। 23 फरवरी को दंगे शुरू होते हैं और 26 फरवरी को उनका ट्वीट आता है जो अभी आपको स्क्रीनों पे नज़र आएगा। उसमें वो बड़ा सिंपली कहते हैं कि तमाम लोगों कहते हैं कि जी वो अमन सुकून से रहें, और इसमें एक लफ्ज़ भी विक्टम्स के लिए नहीं है। मतलब दैट वॉज जस्ट अ फॉर्मल मैसेज। भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप ये कह रहे हैं कि सारे सिर्फ सुकून में रहें, आपने विक्टम्स के लिए, आपको भी पता था कि इसमें इतने लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आपने उनके लिए हमदर्दी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ उनके प्राइम मिनिस्टर की। बाकी गवर्नमेंट को तो आप छोड़ ही दें, इवन कि आप पुलिस की बात ले लें, ठीक है, 6 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी पुलिस के पास जब ये दंगे अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, और किसी भी फर्द की जान नहीं थी गई, जिनको डेलिब्रेटली छुपा दिया गया, दबा दिया गया। और ये मतलब ये मैं आपको, ये मेरे किसी मुल्क की मीडिया की रिपोर्ट नहीं, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि 6 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जिन्हें दबा दिया गया। इवन कि अगर आप फोटेजेस आप फॉलो करते आ रहे हैं दिल्ली रॉयट्स को, तो पुलिस वालों ने बाकायदा इसमें जो रॉयटर्स थे उनका साथ दिया, और मतलब पत्थर मारने में, मुसलमानों की आबादियों पर पत्थर मारने में पुलिस वाले भी शामिल थे। इवन के 2 मकाम पर तो वो CCTV कैमरा तोड़ते हुए आपको नजर आते हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो बायस्ड रवैया इस हवाले से वो आप मतलब देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें मतलब कुछ नौजवानों को पुलिस बुरे तरीके से पीट रही है और उन्हें इंडिया का नेशनल एंथम गाने पर मजबूर कर रही है, और उनमें से एक नौजवान मोहम्मद फैजान वो बाद में मारा गया था, उसे भी मतलब दिल्ली रॉयट्स में डाल के उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ये उसमें मारा गया। प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके दिल्ली पुलिस तक जो ओवरऑल गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स था वो मतलब बहुत ज़्यादा बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है हर हवाले से। ना मतलब दंगों को रोका जा सका, और दंगे ये पुलिस ने नहीं रोके, ये ऑटोमेटिकली जब दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को सही अच्छे तरीके से मार बजा लिया तो उसके बाद ये ठीक है। मतलब इन्होंने अपना पूरा टाइम लिया इन दंगों ने, और उसके बाद ये ख़त्म हुआ। इसमें गवर्नमेंट की किसी भी आप कह लेंगे किसी काविश को जो है ना मतलब नहीं सराहा जा सकता। ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट हैड फेल्ड देयर पीपल। जहाँ तस्वीर का ये रुख देखा है वहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि एक SP नीरज जदून हैं, उन्होंने मतलब बड़ा ब्रेवली एक मॉब को फेस किया, और वो मतलब एक मॉब इकट्ठा हुआ तो उन्होंने मतलब एक पथराव वगैरह शुरू किया, लेकिन ही हैड फेस्ड दैट मॉब, और उसके बाद उन्होंने जो है उस मॉब को वहाँ से भगा दिया। मतलब वो पुलिस वाला जो है वो मतलब काबिले सताइश है। अंकित शर्मा जो कि IB के ट्रेनी ड्राइवर थे, उन्हें मतलब छुरियाँ मार मार के मार दिया गया। इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल थे, वो भी मतलब इसी दंगे में मारे गए हैं। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मतलब इस चीज़ को फेस करने की कोशिश की है, पॉजिटिव रोल अदा करने की भी कोशिश। बट एज अ इंस्टीट्यूशन दिल्ली पुलिस ने जो इंडियन अवाम है, दिल्ली के जो अवाम है, उनको मतलब डिसअपॉइंट किया, और इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी जो है मतलब बड़े डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिस्पॉन्स रहा है। मतलब वो कोई कमेंडेबल रिस्पॉन्स नहीं है। अब बात करते हैं इस पर आने वाले, इन दंगों पर आने वाले इंटरनेशनल रिएक्शंस की। ईरान ने बड़ा
सख्ती से इन दंगों को कंडेम किया। इसके अलावा इंडोनेशिया ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। और इस पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि इस तरह के तमाम इकदाम से आप इंडिया के 200 मिलियन मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, इसके अलावा आपको इससे कुछ नहीं मिल रहा। इंडिया खड़ा है सेकुलरिज्म पे, और ये जो दंगे हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं, ये बेसिकली मुसलमानों पर नहीं, ये उस सेकुलरिज्म पर हमला है। उर्दू में कहावत है आ बैल मुझे मार। बीजेपी वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बैल तू वहीं रुक, हम तेरे में आके लगते हैं। ओ भाई, आप बेसिकली जिस चीज़ पर खड़े हो आप उसी की बुनियाद पर हमला करने जा रहे हो। बात सिंपल है, आज दिल्ली रॉयट्स में टारगेट मुस्लिम थे, मुसलमानों के बाद आप कौन टारगेट हो सकता है? दलित, दलित के बाद लेट्स से क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के बाद फिर सिख, सिखों के बाद फिर कौन होगा? और सिलसिला तो ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगर तो इस सिलसिले को यहीं रोक दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना जो होगा वो आप लोग देख लेंगे, और आपके मुल्क में भी लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप उनकी बात सुन लें तो। अभी आपको स्क्रीन पर उन लोगों की फहरिस्त दिखाई जाएगी जो इन दंगों में मारे गए हैं। तो ये था दिल्ली के फसादात के हवाले से कि किसने ये शुरू किया, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल था। अभी मेरे आप लोगों से दो सवाल आते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर इसी तरह मजीद काम करती रहेगी? क्या हिंदुस्तान की अकलियतों के लिए हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा गैर महफूज हो चुका है? इन तमाम सवालात का जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।